गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ जो है मेरा केयर क्रीम। अजंता फार्मा की एक क्रीम है जो कि दाग धब्बों को दूर करती है, मेलास्मा की प्रॉब्लम को दूर करती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है, डार्क स्पॉट है या स्पॉट्स हो जाते हैं इनकी प्रॉब्लम को ये दूर करती है। अभी मैं यूट्यूब देख रही थी तो सडनली मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें था कि ये क्रीम आपकी स्किन को वाइट कर देगी, लाइट कर देगी। जब मैंने वो पूरा वीडियो देखा तो उस क्रीम का नाम था मेला केयर, और मेला केयर क्रीम मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरी स्किन पर इसने कुछ काम किया था या नहीं, कैसे किया था। तो ये जो क्रीम है ये मेडिकेटेड क्रीम है और इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। 25 ग्राम का पैक आता है और 200 के अराउंड इसका प्राइस होता है। तो मुझे काफ़ी दिन पहले एक इधर डार्क स्पॉट हो गया था, डार्क ब्राउन कलर का स्पॉट हो गया था और जो कि जा ही नहीं रहा था, तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे ये मेला केयर क्रीम सजेस्ट की थी, तो उन्होंने बोला था कि ये क्रीम सिर्फ आपको उसी एरिया पर लगाना है। पर जब मैंने इसके बारे में गूगल किया, यूट्यूब पे देखा, तो हर जगह था कि ये स्किन को वाइट करती है, लाइट करती है। तो मैंने भी सोचा चलो स्किन को जब है ही क्रीम तो पूरे स्किन पर लगा के देखते हैं आखिर काम क्या करती है। तो जो ये डार्क स्पॉट पर मैंने लगाना शुरू किया तो पहले डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन हुई, लाइट ब्राउन से रेड हुई, रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है इस क्रीम को लगाने के बाद, और जो रेडनेस थी उसको जाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो जब मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगाया और एक दो दिन में ही ऐसा लगा जैसे चमत्कार हो गया हो, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा लाइट हो गई और ग्लो भी नज़र आने लगा। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़े दिन और लगा के देखते हैं। तो जब तक मैं इसको लगाती रही मेरी स्किन काफ़ी लाइट लग रही थी, स्किन टोन में फ़र्क नज़र आ रहा था। जैसे ही मैंने इसको लगाना बंद किया तो मेरी स्किन और ज़्यादा डार्क हो गई, मतलब वैसे भी नहीं रही, उससे ज़्यादा डार्क हो गई, क्योंकि एक दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को वाइट भी करता है, तो ये स्किन को पील भी करेगा, और जब स्किन पील होगी तो ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है, और जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और सन एक्सपोजर होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अगर आप इसको विदाउट सनस्क्रीन यूज़ करते हो तब तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी कि उसको रिपेयर होने में 1-2 साल लग जाएंगे, इतनी ज़्यादा डैमेज करेगा। तो आपको इसको स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क हो जाएगी एक टाइम पे, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है जिसको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स थे, तो उसने भी अपने फेस पर लगाना शुरू किया, तो जो उसके डार्क स्पॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए, मतलब उसका पूरा फेस रेड रेड हो गया और वो रेडनेस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आपको सिर्फ वीडियोस देख देख के ये क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो क्रीम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, हाइड्रोक्विनोन और मेमोटोजोन और ट्रेटिनोइन से मिलकर बनी हुई है, जो कि डार्क स्पॉट्स को दूर करते हैं, स्किन एलर्जीज को दूर करते हैं, ये तीनों चीज़ें। पर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है यूज़ करने के लिए तब आप इसको यूज़ करो, और प्रॉपर पूछो कि इसके साथ सनस्क्रीन वगैरह कौन सा यूज़ करना है, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि ये स्किन को इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। मेरी स्किन तो इतनी सेंसिटिव हो गई थी, इसके बाद मैं और कोई चीज़ें यूज़ करती थी तो मुझे बर्निंग सेंसेशन होते थे, इतनी ज़्यादा मेरी स्किन डैमेज हो गई थी। तो सोच समझ के इस क्रीम को यूज़ करना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसको यूज़ करना चाहिए, फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो फिर इसको यूज़ करो। मार्केट में कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो ब्लैक से वाइट कर दे आपको। अगर आप प्रॉपर पैम्पर करते हैं अपनी स्किन को और स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन को सूट करती है, तब आपकी स्किन 1-2 टोन लाइट हो जाएगी। सनस्क्रीन यूज़ करो जिससे कि आपकी स्किन पर टैनिंग नहीं होगी, ये सारी चीज़ें यूज़ करने से आपकी स्किन लाइट हो जाएगी और ग्लो रहेगा। खूब सारा पानी पीजिए, फल फ्रूट खाइए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।